खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है, जहां भूस्खलन से गोफियारा के मलबे में फंसे दोपहिया वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं प्रशासन ने खतरे की आशंका वाले क्षेत्र को खाली कराया। दरअसल बीती रात जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुई, जिसके चलते नाले उफान पर आ गए, जिससे कई क्षेत्रों में कुछ जगहों पर जलभराव और सड़क पर मलबा फैल गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई कर जिलाधिकारी ने आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों की बैठक बुलाई, साथ ही आपदा को लेकर रणनीति भी बनाई। आपदा प्रभावित क्षेत्र में SDRF और प्रशासन की टीम को तैनात करने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद प्रशासन की टीमों ने त्वरित कार्रवाई कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। पुलिस अधीक्षक अपर्णा यदुवंशी ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कल रात जो बर्नआउट का लगा हुआ क्षेत्र गोफियारा, क्योंकि ये बर्नआउट स्लाइड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग इशू है। ये गोफियारा क्षेत्र से पत्थर पहले भी गिरे थे, लेकिन कल अत्यधिक मात्रा में वहाँ से एक मलबा बोल्डर गिरे थे, क्योंकि कल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी मुख्यालय में हमें कल आज 8 बजे तक 122 mm बारिश दर्ज हुई, तो अत्यधिक बारिश होने से उधर से बहुत मलबा गिरा था और बोल्डर भी गिरे थे। हालांकि वो नीचे किसी के घर में और रोड पर नहीं आए हैं, लेकिन एहतियातन हमने वहाँ पे एरिया को खाली करवाया था ताकि इस टाइप से होना हो, और सुबह इसका एक ड्रोन से और टीम द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, तो अभी डिटेल जियोलॉजिकल इसका सर्वे भी किया जा रहा है और वहाँ पे एक टीम भी भेजी गई है और ड्रोन से और अन्य उससे भी सुरक्षा कारणों को देखे जा रहे हैं, और भविष्य में इसका अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव होता है, तो उसको भी आकलित किया जा रहा है। कल ये जो शाम को काफ़ी तेज बारिश आई थी और उसके बाद ये तमाम जो गुफियारा नाला में उफान आया और ये जो मलबा नीचे आया है, तो एग्जैक्टली तो अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी टीम रैकी के लिए गई भी है ऊपर और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन मोटा मोटा ही बताया जा रहा है कि अभी फायर सीजन में भी क्षेत्र पर जो थी भीषण आग लगी थी, जिससे कि ऊपरी एरिया में कहीं पर कुछ चट्टाने दरक सी गई थी, और अब संभवतः जो कल जिस तरह बारिश हुई है या तो पानी वहाँ भरा है या उसके बाद वो स्लाइड हुआ है, तो उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरा टीम, उसमें SDRF NDRF है, हमारे आपदा के लोग हैं, फॉरेस्ट के स्टाफ हैं, ये लोग अभी रैकी के लिए जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट तब पता लग पाएगा कि किस तरह से ये हुआ है।